अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास वन, टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 1 की रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमने ये पेज पहले भी किया है, आज हम दोबारा ये पेज रिवाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप घर में, ठीक है। सो लेट अस कलर, गेटिंग रेडी इस चैप्टर का नेम है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो चारों, ये ए वाला ये ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ई ग्रुप है, एफ ग्रुप है, ठीक है। और ये पिक्चर जो आपको ये आइसक्रीम, ये बुक्स ये नज़र आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने इनको काउंट करना है और इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपने काउंट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स 9 आएंगे उसमें आपने ब्लू कलर करना है, जो ग्रुप्स जो 5 का होगा उसमें येलो करेंगे कलर, और काउंट करने के बाद, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स 4 होंगे उनमें आप रेड कलर करेंगे। ए पार्ट में देखें, काउंट करते हैं 1 2 3 4, दीज आर 4 ऑब्जेक्ट्स, तो आप 4 राइट करेंगे और इसमें रेड कलर करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में देखें, आप इनको भी काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद ये 9 बन दिया, आप इनमें ब्लू कलर करेंगे। इसी तरह सी को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, दीज आर 4, डी 1 2 3 4 5 एंड दीज आर 5, ठीक है, आप 5 लिखेंगे। ई पार्ट में देखें, 1 2 3 4 5, दीज आर 5, आप 5 राइट करेंगे। एफ पार्ट में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दीज आर 9, ठीक है, आप काउंट करके राइट करेंगे और इसमें कलर कर देंगे, ठीक है। टू पेज की रिवीजन भी आज हम करेंगे, पेज नंबर 1 एंड 2। सो आपने इनका भी काउंट करना है और इनको बॉक्स में राइट कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर 6, आप 6 लिखेंगे। इस तरह बी को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10, 1 2 3 4, दीज आर 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद ई पार्ट देखें, ये 13 है और उसके बाद ये 20 है, ठीक है। आपने इनको काउंट कर देना है और इन बॉक्स में लिखना है। आपने स्टूडेंट 1 और 2 पेज की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इनकी रिवीजन है, ओके।